आइए निकाल लेते हैं याकूब की पत्री और आज हम अगले हिस्से में पहुंच गए हैं। अध्याय 3 से आज हम सीखेंगे, है ना। हमने सीखा था अपने क्या बोलते हैं क्रोध पर काबू पाना, आज हम सीखेंगे अपनी जीभ पर काबू पाना, इसके बारे में हम सीखेंगे। और मैं पढ़ता हूँ अध्याय 3 और उसके एक वचन से। यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई है, हमारी जुबान हमारी जीभ किस प्रकार अनकंट्रोल है, किस प्रकार वो काबू में नहीं है, उसका नुकसान क्या है और उसका उसका नतीजा उसका परिणाम हमारे जीवनों में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस अध्याय से सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार वो शुरू करता है, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत शिक्षक न बने यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। उस समय में ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत सारे नौजवान लोग हैं जोशीले लोग हैं और भी अन्य लोग हैं वो अगुआ बनने की लालसा रख रहे हैं और ये चीज़ ये जो समस्या है ये जो बात है ये जो भावनाएं हैं ये उस समय की ही बात नहीं है, आज के समय में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं बाकी लोग भी कि हमें स्टेज पर जाके हमें प्रचार करना है, हमें एक अगुआ बनना है। याकूब यहाँ पर कहता है कि तुम सब अगुए मत बनो, चर्च में सब लोग अगुए नहीं होते हैं, है ना। अगुआ होना बाइबल बताती है कि अगुए कलीसिया के लिए परमेश्वर का वरदान है। वचन बताता है कि अगुआ वो होता है प्रभु के चुने हुए जो दास हैं जो प्रचारक है जो पास्टर हैं उन परमेश्वर उनको एक बुलाहट देता है, उनके लिए एक विशेष बुलाहट प्रभु उन्हें देता है एक पास्टर होने के लिए एक अगुआ होने के लिए। तो तुम में से हर एक पास्टर बनने की लालसा मत रखो क्योंकि उनका दो है कठोरतम वो दंड के भागी होंगे, उन्हें अधिक दिया गया है उन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन बहुत सारी बातें उनको जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके की उनको दी गई हैं इसलिए उनको हिसाब भी उनसे ज़्यादा लिया जाएगा। इसलिए तुम सब लोग शिक्षक बनने की कोशिश ना करें। हम लोग एक मीटिंग में गए हुए थे वहाँ पर एक बाहर से एक प्रभु के सेवक आए हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि किस बात ने तुझे पास्टर बनाया है। उन्होंने देखा कि ये एक छोटा सा यंग सा लड़का है और उन्हें देखकर पूछ लिया किस बात ने तुझे पास्टर बनाया है। तो मैंने उनको ये बोला कि प्रभु ने मुझे चुना है उसका दास होने के लिए सेवक होने के लिए। लेकिन उन्होंने पूछा उसके पूछने का कारण ये था कि बहुत से लोग ना सिर्फ एक पद पाने के लिए पास्टर बनते हैं, एक एक बस पास्टरों को अलग से एक अच्छी इज्जत मिलती है अच्छी पूछताछ होती है अच्छा उनका रुतबा होता है इस सिर्फ इसलिए बन जाते हैं। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि प्रभु ने मुझे बुलाया है पास्टर होने के लिए। तो परमेश्वर एक विशेष बुलाहट देता है अगुआ होने के लिए एक पास्टर होने के लिए एक प्रचारक होने के लिए, लेकिन सबको सब लोग उस बुलाहट के दायरे में नहीं आते। ठीक है, तो इस बात के लिए कहता है वो दंड के बारे में बात कहता है दंड के भागी होंगे। दंड के बारे में भागी होने के बारे में वो क्यों कहता है हम दो में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं, जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। तो दंड के भागी क्यों होते हैं क्योंकि हम कई बातों में चूक जाते हैं, हम अपनी बातों के द्वारा बहुत सी चूक कर बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं हमारी बातों के कारण, है ना। लेकिन बातों के अंदर ये चूक क्यों होती है पहला पॉइंट हम यहाँ पर सीखते हैं हम चूक जाते हैं हमारी जीभ पर काबू न होने के कारण, हमारी जीभ हमारे वश में नहीं होती है, ये बेकाबू होती है। जब हमारी जीभ हमारे काबू में नहीं होती है तब हम बहुत सारी बातों में क्या कर जाते हैं चूक जाते हैं, हम बहुत सारी बातों में गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत सी गलतियां हमसे हो जाती हैं। और हम ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा पाप जो हमारे जीवन में होता है बहुत सारे पाप जो हम अपने जिंदगी में करते हैं सबसे ज्यादा पाप उनमें से वो होते हैं जो हम अपनी जुबान से करते हैं। किससे करते हैं
अपनी जीभ से हम कई बारी कई प्रकार के पाप करते हैं। देखिए तीन में क्या कहता है, ये जीभ से हम पाप करते हैं क्यों, क्योंकि ये कैसी है प्रवृत्ति, कैसी है जीभ की। लिखा है तीन में, यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी नियंत्रण में ले सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और तीव्र वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटा सा अंग है हमारे शरीर का, छोटा सा अंग है लेकिन ये क्या करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। डींगे मारने समझते हैं क्या मतलब होता है, डींगे मारने का, डींगे मारना इसी को बोलते हैं। बहुत फेंकते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत डींगे मारते हैं। कहता है थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हमारे मुख से निकले हुई बातें क्या करती हैं, हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द किसी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारे वचन प्रभाव ही नहीं होते, हम जो बोलते हैं उस जिसको बोला है उसके जीवन पर हम बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक हम प्रभाव डालते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा, हमारे जो शब्द हैं या तो वो हमें बनाते हैं या फिर वो हमें बिगाड़ देते हैं। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द या तो हमें बनाते हैं या फिर हमें बिगाड़ देते हैं। हम अपने ही शब्दों से लोगों की नजरों में गिर जाते हैं और कई बारी हमारे शब्दों के कारण, कि हम समझदारी के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो इन हमारे शब्दों के कारण लोग हमें आदर भी देते हैं। शब्दों की बात जो हमारे जीभ से निकलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे शब्द कई बार किसी को हिम्मत देने वाले होते हैं तो किसी को निराश कर देते हैं। कई बार अपने शब्दों से हम हिम्मत देते किसी को, जो परेशान है, जो अकेलापन महसूस करते हैं, बीमार हैं, बहुत सारे लोग हम उनको जाके अपने शब्दों से हिम्मत देते हैं, उनको हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें, ताकि वो कमजोर का, ताकि वो दुखी महसूस ना करें। अपने शब्दों से हम क्या करते हैं, हिम्मत देते हैं। और कभी कभी हम अपने शब्दों से, कभी कभी नहीं बहुत बार हम अपने शब्दों से किसी को निराश भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निराश भी कर देते हैं। हमारे मुख से निकले हुए शब्द प्रभाव डालते हैं लोगों की जिंदगियों पे। निराश में हम एक भाई के घर पे गए, फोन करके उन्होंने हमें बुलाया। बिल्कुल ऐसी देखने में उसको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये भाई जो है बचने की हालत में नहीं है। आप सब ने भी उसके लिए प्रार्थना की है। उसका नाम सुनील तंवर, मैंने बोला था ये मेरे गांव के एक प्रधान के लड़के हैं, प्लीज दुआ कीजिए। आपको बताना चाहता हूँ आपकी दुआओं को प्रभु ने सुना है, आज वो बिल्कुल ठीक है, हालेलुया। जब वो अपनी चारपाई पे पड़ा हुआ था, दो दो पाइप उसके पेट में लगे हुए थे, लेटा हुआ है, फोन आया, भाई प्लीज मैंने सुना है आप लोग दुआ प्रार्थनाएं करते हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हम एक साथ पढ़े लिखे एक ही स्कूल में, तो वो जानता था, मैं चला गया, हम एक दो विश्वासी भाईजन और मिलके उनके लिए प्रार्थना की और उनको हिम्मत दे रहे हैं। मैंने उस दिन उनको ये वचन दिया था, विश्वास रखोगे तो अद्भुत काम देखोगे। मैं उनको ये वचन मैंने उनको दिया बाइबल के अंदर से। उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, उतनी देर में एक आंटी आई, और आंटी आई थी उस भाई से मिलने के लिए, उस दुखी भाई से मिलने के लिए। आके क्या कह रही है, अरे ये तो बिल्कुल ही बीत गया, अरे ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसको ये भी आभास नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए आए हो जो बिल्कुल मृत्यु से यहां पर लेटा हुआ है। शब्द इस्तेमाल जब करते हैं उसके ऊपर गौर नहीं करते, बस निकालना होता है जुबान से। वो देख रहा है उसकी तरफ ऐसे कि क्या बोल रही है। हम जब जाएं अपने शब्दों का ध्यान रखें, किसी को हिम्मत देने, सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक अपने शब्दों को हम इस्तेमाल करना चाहिए। और वहां पर वो लेडीज कह रही है, हम सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे हैं, लेकिन उसको ये भी, सब लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं ये भी उसको नहीं समझ में आया। बोली ये तो खत्म हो गया बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही बीत गया है। कई बार हमें सांत्वना देना भी नहीं आता है, हमारे शब्द इस प्रकार के होते हैं।
हमारे वचन कई बार हम अच्छे रिश्तों को बना देते हैं और एक ही सेकंड में हमारे शब्द अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म भी कर देते हैं। हमारी जुबान से, हमारी जीभ से निकले हुए शब्दों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो अच्छे अच्छे रिश्ते बना भी देते हैं अच्छे शब्दों के कारण, लेकिन हमारे शब्द एक ही सेकंड में अच्छे से अच्छे रिश्तों को तबाह भी कर देते हैं। हमारे मुख से निकले शब्द प्रभावशाली होते हैं। आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रभाव सामने वाले के जीवन पर पड़ेगा। हमारे शब्द कई बार इस प्रकार के होते हैं कि हम दोहरे चरित्र के ठहरते हैं लोगों की नजर में। दूसरा पॉइंट, कई बार हमारी जीभ के कारण हम दोहरे चरित्र के ठहरते हैं। हमारे शब्दों में और हमारे विश्वास में, हमारे शब्दों में और हमारे आत्मिक जिंदगी में मेल दिखाई नहीं देता, हम दोहरे चरित्र के दिखते हैं। मैं एक विश्वास में नया ही था और मैं एक जगह पे काम कर रहा था। हमारे सुपरवाइजर साहब ने मुझे बुलाया और मैंने देखा कि वो सब लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो पुराने लोग थे, उनकी अच्छी बनती थी, सब लोग अच्छे से बातचीत कर रहे थे। मैं नया वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था और काफ़ी मजाकिया अंदाज उनके साथ में हमारा रहता था। एक दिन बैठे हुए मेरे से सबसे ज़्यादा काम मेरे से करवा रहे, तुम ये करो तुम वो करो। मैं गया और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि एकदम से वो फट पड़े मेरे ऊपर। कुछ ऐसा उल्टा मैंने बोल दिया, नया था विश्वास में, ये की बात नहीं है, काफ़ी समय हो गया। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया उनको कि वो मेरे ऊपर फट पड़े, गुस्सा हो गए मेरे शब्दों के कारण। उन्होंने मुझे बोला, तुम तो ये कहते हो कि तुम सत्संग में जाते हो, ये है तुम्हारा चरित्र? तुम तो ये कहते हो कि मैं चर्च में जाता हूं, ये है तुम्हारे चर्च में? तुमने ये सीखा है चर्च में जाके? मैंने उनको बताया था मैं चर्च जाता हूं, मुझे संडे को छुट्टी चाहिए, मैं संडे को ड्यूटी नहीं करूंगा। और उस दिन मेरे शब्दों के कारण जो मेरे मुख से निकले थे, उन्होंने मुझे ये बोला, तुम चर्च जाते हो, तुम्हारा बोलने का तरीका ये है, तुम्हारे शब्द ये हैं, तुम्हारा चरित्र ऐसा है। हम अपनी जीभ के कारण, क्योंकि उसको हम वश में करके नहीं चलते, क्योंकि उसको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल नहीं करते, हम कई बार हमारी जीभ के कारण दोहरे चरित्र के ठहरते हैं, हमारा दोहरा चरित्र दिखाई देता है। इसी प्रकार आगे वो वचन में बता रहा है, 9 और 10 में लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु की पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, इसलिए हम दोहरे चरित्र के ठहरते हैं। एक मुंह से तो हम यहां पर प्रार्थना आराधना करें, ओ प्रभु धन्यवाद, तेरी महिमा हो, ऊंची ऊंची आवाज में, ओ कोई भी नहीं हमारे आसपास, ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, ऐसे आराधना करते हैं। बाहर निकलकर हमारा वो चरित्र पता नहीं कहां चला जाता है। चर्च में वो जुबान आराधना के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन घर में जाकर वही जुबान गालियां देती है, श्राप देती है। एक बहन के बारे में मैं जानता हूं, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, बहुत परेशान, ऑपरेशन हुआ उनका और दुखी थी। रात को बहुत लेट नाइट फोन किया, बोले कि भैया मैं अकेली हूं, आप में से प्लीज़ कोई आ जाएगा। मैंने बोला आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बोली वो बाहर गए हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। और बाहर किस लिए गए हुए हैं? शराब पीने के लिए। इधर वो इतनी अच्छे से आराधना करते, मैं देख कर लगेगा अरे वाह क्या आदमी है, क्या आत्मिकता है इसकी, देख के लगा अरे वाह ये आत्मी सच में यार प्रभु की आशीषों से भरा हुआ है। क्यों? अपनी जीभ से यहां पर वो शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है इसलिए, लेकिन बाहर कुछ और ही है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। यहां पर प्रभु धन्यवाद, बाहर निकलकर जब किसी के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, बोलते तेरा नाश हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश मतलब सत्य, मतलब सच, तपस भी ऐसी खा रहे थे एक दिन, नाश मतलब नाश, तेरा सच में नाश हो जाए,
श्राप देते हैं। इसी प्रकार हम चर्च में आराधना करते, बाहर जाकर बहुत से लोग नशा करते हैं, अपने जीभ से यहाँ पर आराधना करते हैं और उसी जीभ से जिससे वो आराधना करते हैं गंदे गंदे मजाक करते हैं। क्या करते हैं? गंदे गंदे मजाक करते हैं। कुछ शब्द इतने सामान्य हो गए हैं इसे रिमकास करके, मतलब हर जगह ही शायद ये चीज होती है, इतने सामान्य हो गए हैं कुछ शब्द तो बोलते रहते हैं, ना तो बोलने वाले को महसूस होता है ना जिसको बोला उसको महसूस होता है। हर बात में माँ की गाली, हर बात में बहन की गाली। और मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे विश्वासी भाई भी इधर बैठे हुए हैं जो इस प्रकार का रवैया जिनका है, हमारे विश्वासी भाई भी हैं ऐसे, बहनें भी हैं ऐसी। क्या हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए? हम जिस जीव से आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसी जीव से हम गालियां दे रहे हैं, उसी जीव से हम श्राप दे रहे हैं। इतनी सामान्य हो गई है, बहुत सारे शब्द माँ की बहन की गाली देते हैं, किसी को भी साला बोल देते हैं, है होता है कि नहीं होता है पता नहीं चलता, लेकिन अपनी जुबान को हम गलत बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दिखाता है हमारे दोहरे चरित्र को। किसको दिखाता है? दोहरे चरित्र को। आज भी हमारे शब्द नहीं बदले, आज भी हमारा बोलने का तरीका नहीं बदला है, और यही चीज दिखाता है कि सच में हमारे जीवन में परिवर्तन अभी अधूरा है, हमने पूरी तरह से अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया है। मैंने सुना है कई लोगों को बोलते हुए, इसलिए बोल रहा हूं मैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को मूर्ख बोलते हैं, अपने बच्चों क्या बोलते हैं? मूर्ख, पागल। और ये बोलते हैं कुछ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए उसको सही करने के बजाय बोलते हैं तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। इस प्रकार के शब्द हम अपने बच्चों को बोलते हैं, है ना। और कई भाई तो अपनी पत्नियों को बोलते हैं तुझे क्या पता, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, तेरा घर संभाल रखा इतने सालों से उसने, तेरे बच्चों को संभाल रही हो, तेरे परिवार को देख रही हो, उसको ज्ञान नहीं है। हम बोल देते हैं तुझे क्या, पत्नी पति बोलते हैं पत्नी तुझे क्या पता, तुझे कुछ किसी बात का ज्ञान है क्या, अरे तुझे नहीं पता सारी बातें, तू तो मूर्ख है, तू पागल है, जितना बोला ना उतना ही करा कर। इस प्रकार का रवैया हमारे बच्चों के साथ और हमारे पत्नियों का होता है, हमारे इस प्रकार के शब्द हम अपनी जीभ से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारा कई बार हम हमारे जीभ के कारण दोहरे चरित्र के लोग ठहरते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं कई बार हमें पता ही नहीं चलता, बेलगाम होकर हम बोल रहे होते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, गलत तो नहीं बोल रहा, चलो बढ़िया है। किसी ने कहा ना कि कहावत है कि मार का घाव तो भर जाता है लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता, मार का घाव भर जाता है लेकिन शब्द का घाव नहीं भरता। यानी कि किसी ने सालों सालों पहले अगर हमने हमसे किसी ने कुछ बोला हो, लगने वाली बात, दुख देने वाली बात, वो हमें आज तक याद होगी, शब्दों के घाव खत्म नहीं होते, वो याद दिमाग में सेट हो जाते हैं, हम हमेशा याद रखते हैं, दूसरों की याद रखते हैं, अपने भूल जाते हैं कई बारी। अभी परसों ही एक न्यूज में देख रहा था, शब्दों की बात हम कर रहे हैं ना, हमारे मुख से निकले हुए शब्द, फरीदाबाद में एक नौजवान व्यक्ति ने, लड़के ने, नौजवान था, स्कूल में जाता था, आत्महत्या कर ली उसने, सुसाइड कर लिया, मर गया बेचारा। उसकी माँ जब बयान दे रही थी, बता रही थी कि उसको ना स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, उसको बोलते थे कि तू तो लड़की है, तू तो हिजड़ा है, तू तो गे है, इस प्रकार के शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और वो उसके साथ उसने काफ़ी दिनों तक सहता रहा, उसने अपने घर पे भी बताया, स्कूल में भी उनको बताया गया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। और उसके कानों में वो शब्द इतने जा चुके थे वो खुद को इसको लगने लगा कि मैं सच में ऐसा ही हूँ, वो जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं सच में ऐसा ही हूं शायद, अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे जीना नहीं है। शब्दों के कारण इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चला गया, इतना ज्यादा तनाव में वो आ गया, उसने अपनी जान दे दी, खत्म जिंदगी।
हमारी जुबान के कारण, शब्दों के कारण इतना बड़ा नुकसान हम कर देते हैं कई बार। और ऐसी ही कहानियां बहुत हैं जिनको प्रताड़ित किया गया कॉलेज में, स्कूल में, बहुत सारी जगह पे, समाज में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। हमारा जीवन ऐसा ना हो। हम जब प्रभु की आराधना करने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं, हमारे शब्दों में, हमारे हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में और हमारे शब्दों में समानता होनी चाहिए। हमारे शब्दों में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में समानता होनी चाहिए। याद रखिए, अपने आप से पूछिए, क्यों नहीं बदला मैं आज तक? क्योंकि कभी गंभीरता से नहीं लिया। भाई, विश्वासी भाई बहन गालियां देते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं कि ये बात जो बोल रहे हैं ये बाहर हमें कुछ और प्रदर्शित कर रही हैं, दोहरा चरित्र हमारा दिखा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन ये गवाही देता है कि उसने मार खाई, उसने मार सही, उसने गालियां खाई, उसने उफ तक नहीं किया, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी किसी को। लोग उसको श्राप दे रहे थे, उसने उसको श्राप नहीं दिया। उसके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, हे पिता ये नहीं जानते, इनको माफ कर। और वचन ये कहता है कि तुम अपने अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने जो तुम्हें सताने वाले हैं उन्हें आशीष दो। सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। हम अपने बीच के लोगों के अंदर आपस में भिड़ते रहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हम अंदर से ही नहीं बदले हैं तो क्या हम बाहर बदलाव का की सोच रख सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि बाहर हमारे द्वारा कोई बदलाव आएगा? कभी नहीं आएगा। कई बार हम किसी के घर में जाते हैं आराधना महिमा प्रभु की स्तुति करने के, होम ग्रुप के लिए इकट्ठा होते हैं, कई बार ऐसे मिलने के लिए चले जाते हैं, किसी के घर में अगर हम बैठे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि हम उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम मसीह में एक हैं, क्योंकि हम आत्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये एहसास होना चाहिए, ये हमारे जीवन से दिखना चाहिए, ये हमारे शब्दों से दिखना चाहिए, ये हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से दिखना चाहिए। कई बार क्या हो, कहीं पर जा रहे हैं ना, किसी घर पर बैठकर हम इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। तुम्हारा घर छोटा सा है, हमारा वाला थोड़ा बड़ा है। हम ये नहीं सोचते कि इसको कैसा लगेगा। उनको कई बार नीचा ऐसा लगता है कि हम बेइज्जती कर रहे हैं किसी की, उन सामने वाले को थोड़ा लगता है अंदर। ठीक है, आपका घर बड़ा है, अच्छी बात है, उनको क्यों बोल रहे हो? उनसे आप मिलने आए हो, प्रेम दिखाने आए हो, इस तरह से दिखाएं उनको हम अपना प्रेम। बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे हो रही है यहां पर, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे घुटन हो रही है यहां पर, क्योंकि तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारे घर, इसलिए हम होम ग्रुप में नहीं आते। हम सोचते हैं कि बैठेंगे कहां पर, हम सोचते हैं कि जाएंगे तो जगह तो हमें मिलेगी नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। दूसरों की कमी घटी को देखते हुए हम अपनी तारीफ करने लग जाते हैं, डींगे मारने लग जाते हैं, खुद की तारीफ करना। जेम्स याकूब 1:26 में याकूब ने पहले ही कहा था, हम पहले भी पढ़ चुके, इसमें लिखा है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यानी कि अपने आप को विश्वासी समझे, अपने आप को प्रभु का दास समझे, अपने आप को प्रभु का बेटी बेटा बेटी समझे, वो अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। अगर हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते हैं तो हमारी भक्ति व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर हम अपने शब्दों को ढंग से अपने भाई बहनों के लिए, बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो याकूब इसलिए कहता है ये जीव जो है ये अधर्म का लोक है। 6:7-8 में पढ़ते हैं, लिखा है जीव भी एक आग है, अर्थात अधर्म का एक लोक है, और हमारे अंगों में स्थित यह जीव सारे शरीर को कलंकित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है। हमारी जीव हमारे जीवन की गति में क्या करती है? आग लगाती, हमें आगे नहीं बढ़ने देती।
इतना इस प्रकार का खतरा हमारे जीवनों पे मंडराता रहता है जब तक हम अपने जीव को अच्छी तरीके से समझकर हम इसको इस्तेमाल न करें। तो साथ में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक जहर से भरी हुई है। 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे जीवन हमारे शब्दों से होता है, जिस प्रकार हमारे शब्द होते हैं, जिस प्रकार हम लोगों की आत्माओं को तोड़ देते हैं अपने शब्दों से, जिस प्रकार हम लोगों के जीवनों के अंदर नफरत को पैदा कर देते हैं खुद के लिए, जिस प्रकार हम अपनी जीभ से दोहरे चरित्र के ठहर जाते हैं, कई बातों में चूक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। 12 में इस प्रकार लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कभी देखा है कि एक नल के अंदर से कभी मीठा तो कभी खारा पानी आ रहा है? अगर उसमें मीठा आ रहा है तो मीठा ही आएगा, खारा आ रहा है तो खारा ही आएगा। हमारे चरित्र में ऐसी चीज क्यों दिखाई देती है? हम अपने आप को विश्वासी भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा एक गैर विश्वासी से भी गिरी हुई प्रवृत्ति का अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाना संभव है, लेकिन ये अपनी सामर्थ्य से, हम खुद की सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ये अपनी सामर्थ्य से संभव नहीं है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। ये जो हमारे जीभ पे जो शब्द आते हैं, इसका उद्गम स्थान होता है। एक क्या होता है उद्गम स्थान, पता है क्या होता है? मतलब एक नदी है, लेकिन उसके शुरू होने का एक मेन जगह है। बड़े बड़े महासागर है, उनमें से नदियां निकल के अलग अलग जगहों पर पहुंचती है। वो महासागर जो है, वो उस नदी का क्या है? उद्गम स्थान है। इन हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों का उद्गम स्थान क्या है? मत्ती 12:34-35 पढ़िए। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर भी आता है। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो मुंह से निकलने वाले जो शब्द है, उनका उद्गम स्थान क्या है? हमारा मन। उनका उद्गम स्थान हमारा मन है। हमारे मन में जो भरा होता है, वही हम अपने मुख से निकालते हैं। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। हमारा मन उद्गम स्थान है, और हमारे शब्द बताते हैं कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। हमारे शब्द क्या बताते हैं? कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। तो संभव है इसे काबू करना, अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से। किस प्रकार हम इस पर काबू पा सकते हैं? मन को प्रभु यीशु के नियंत्रण में समर्पित कर दीजिए। अपने मन को हम प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में समर्पित कर दें। अपने मन को परमेश्वर के नियंत्रण में काबू करने के लिए हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, और परमेश्वर का वचन जो हमें आज्ञा देता है, जो नियम देता है, जो सामर्थ्य, जो सिद्धांत हमें देता है, हम उनको गंभीरता से लें। हमें अपने आप को उन चीजों में अनुशासित करना है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। भली बातें अपने मन में भरने के लिए, परमेश्वर की बातें हमारे मन में भरने के लिए, हमें अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। पौलुस इस प्रकार कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27 में, कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूं कि खुद को काबू कर सकूं। अपने आप को मारता कूटता हूं कि खुद को काबू कर सकूं। हमें अपने आप को मारना कूटना, हमें अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा प्रभु के वचन में जो हमें वो सिखाता है। वचन हमें अनुशासन देता है, वचन हमें अनुशासित करता है, वचन हमारे शब्दों को परिवर्तित करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। अगर वचन नहीं तो अच्छा चरित्र भी नहीं, अगर वचन नहीं तो अच्छे शब्द भी नहीं, अगर वचन नहीं तो हमारा जीवन वैसा ही खाली कटोरा है।
प्रभु के वचन से प्रेम करें, प्रभु के वचन को अपने मन अपने हृदय में भरें। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे। वचन 141 तीन और चार में ऐसे लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में मैं न लगूं और न उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ खाऊं। ये प्रार्थना कर रहा है दाऊद, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे मुख के ऊपर तू पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर कि मेरे मन से किसी बुरी बात, मेरे मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के वचन से प्रेम करें, अपने आप को अनुशासित करें वचन के अनुसार और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मुख को बदल, मेरे शब्दों को बदल, मेरे मुख को बुरी बातें बोलने से रोके रहे, मेरे मुख के ऊपर पहरा बिठा, मुझे मेरे जीवन को परिवर्तित कर। हमें प्रार्थना करनी है अपने जीवन के लिए, अपने आप के परिवर्तन के लिए। ये परिवर्तन जरूरी है, हालेलुया, ये परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि आपके शब्द आपका परिचय देते हैं कि आप कौन हैं। आपके शब्द आपका परिचय देते हैं कि आप कौन हैं। इसलिए ये परिवर्तन जरूरी है अपने आप के लिए। हम प्रार्थना करें दाऊद के समान, प्रार्थना करें हम प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मेरे मन को तू नियंत्रण में ले ले। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं।